हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेक्सचर फिल डायलॉग के बारे में बताऊंगी। इस टूल की हेल्प से आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसमें रेनबो वगैरह भी बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, फर्श बना सकते हैं, ग्रास बना सकते हैं, बहुत कुछ डिजाइन से इसमें होती है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, सर्कल बना लिया। अब इस पे अप्लाई करते हैं। फिल टूल में जाइए, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे है। देखिए टेक्सचर फिल डायलॉग बॉक्स, इस पे क्लिक करिए। सैंपल इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे सैंपल है, कहीं भी क्लिक करिए। और एक एक करके देखिए, चूज करिए। इसमें कलर वगैरह सब आप चेंज कर सकते हैं। क्लाउडी लिया, हेवेनली लिया, इसमें सब कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें कलर चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, ऊपर से आप ये टेक्सचर, सॉफ्टनेस, डेंसिटी, ब्राइटनेस सभी कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर प्रीव्यू देखिए, देखिए अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से चेंज कर लीजिए। सभी कलर चेंज कर सकते हैं। इसको जूम करके बड़ा करके देखिए, डबल क्लिक करिए इस ऑब्जेक्ट पे, पूरे पेज पे रेक्टेंगल बन गया। अभी इस बार इसको करते हैं कलर। फिल टूल, टेक्सचर फिल डायलॉग बन गए। क्लाउडी स्टोन, क्लाउडी मिडी। अब इस पे कलर ओके करिए, देखिए क्लाउड शेप बन गया। इसको डिलीट कर दीजिए, क्लाउड्स बन गए आपके। इस टूल की हेल्प से आप बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। इस पे आप चेक करिए कितनी, बहुत सारी ड्राइंग मिलेगी आपको। इस पे डबल क्लिक करिए, फिर से वहीं चले आएंगे। क्लाउड्स है, ये मॉर्निंग का क्लाउड कैसा होता है ये देखिए। कलर वगैरह ऑटोमेटिक फिल है, लेकिन फिर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये देखिए क्लाउड, ये नेबुला, कर्टेन, डायमंड, एक एक करके सब कुछ चेक करिए जो भी अच्छा लगता है। रिबन कैंडी, सॉफ्ट वाटर, चलिए इसको ओके करते हैं। कलर मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही। देखिए आउटलाइन कट कर दीजिए, फिर से करिए चेंज। सोलर फ्लेयर्स, फ्लेयर्स टू, स्विमिंग पूल भी है, देखिए स्विमिंग पूल टू है, ओके करिए। इस तरह आप बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग इससे बना सकते हैं। अभी सभी सैंपल्स को चेक करिए और इसको अपने ड्राइंग में अप्लाई करिए।